जय जय श्री राधे, सभी को स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग उत्सव चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बारिशों में होने वाली सीड सोइंग के बारे में। मींस बारिशों में अभी हम लोग कौन कौन सी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, कब तक उनकी सीड सोइंग हमें कर देनी है, और साथ ही साथ इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि अभी सीड सोइंग ना करें, बारिश आने के बाद करें, तो वो क्या कारण है और क्यों ऐसा कहते हैं, उस सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाया करें, लाइक करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें मानसून की, तो मानसून हमारे एमपी की बात करेंगे तो 15 जून तक आना है। तो 15 जून के बाद ही हमारा मानसून आएगा, उस तक हम लोगों को क्या कर लेना है, अपने किचन गार्डन की सारी सॉइल प्रिपरेशन का काम कर लेना है। जैसे कि हमने ये पूरी सॉइल प्रिपेयर कर ली है, अब हमको क्या करना है, इसमें पानी देते रहना है अच्छे तरीके से। हम लोग अपने पानी देते रहेंगे अपने सॉइल में, तो क्या होगा कि इसके बिल्कुल भी जो माइक्रोब्स हैं वो नहीं मरते हैं। और अभी आप लोग सीड सोइंग कर सकते हैं अगर आपके पास में ज़्यादा कंटेनर है, और अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी सीड सोइंग करते हो तो आप लोग अभी थोड़ी बहुत सीड सोइंग कर सकते हैं। बाकी हमने तो पूरी इकट्ठी ही सीड सोइंग करते हैं, हम तो हमने इकट्ठे सभी बीज बो दिए हैं। तो बारिश जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम लोग अभी से अगर सीड सोइंग करेंगे तो एक फ़ायदा रहता है, बारिश आने तक मींस अगस्त तक हमको सारी वेजिटेबल्स मिलने लगती है। जुलाई मतलब जुलाई एंड तक तो हमको सारी वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग मिलने ही लगेगी। लेकिन मान लो अगर हम लोग 15 जून मानसून आने के बाद छींटे पड़ने के बाद में लगाएंगे, तो फिर वो हमको वही वेजिटेबल्स 15 जून में लगाएंगे तो अगस्त लास्ट तक मिलेगी, जिससे हमारी ठंड की वेजिटेबल्स लेट होंगी। तो इस बात का हमको विशेष कर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी क्या क्या लगेगा। तो अभी आप लोग लगा सकते हैं भिंडी, गिलकी, करेला, कद्दू, टमाटर को कुछ दिन बाद लगाएंगे, छप्पन कद्दू है, स्क्वैश गार्ड होता है, एक वो चिचेड़ा होता है, स्नेक गार्ड होता है, गोल वाली लौकी है, अभी ये सारी भी सारी बेल वाली वेजिटेबल्स लग जाएंगी आपकी। कुंदरू है अगर आप लोग खाते हो तो, ये सब आप लोग लगा सकते हैं। हाँ, और कोई कोई लोग अभी चिमड़ी और कलिंदर लगाते, तो हमारी आपको ये एक सजेशन रहेगा कि चिमड़ी ना लगाएं, कलिंदर लगा सकते हैं आप लोग, तो उसको भी अभी हम लोग ग्रो करेंगे। साथ ही साथ कुछ और वेजिटेबल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें है हमारी भिंडी है, जैसे कि ये प्लांट वाली, ये भट्टे हैं, मिर्चे हैं। इसमें अभी हमने आपको सीड सोइंग का एक वीडियो डाला था, उसमें ये हमने सारे सीड सोइंग कर दी थी। देखिए आपको बीज बाहर भी दिख रहा होगा। तो हमने सिर्फ अभी पानी डालना है हमें पूरे प्लांट्स में। अभी हमने सिर्फ गिलकी लौकी और करेले की सीड सोइंग बस की है, क्योंकि अभी हमको सल तीन वेजिटेबल्स बस, अभी तीन बेल बस लगानी थी। आप ककड़ी भी लगा सकते हैं इसी के साथ में। तो ये तो हो गई हमारी सीड सोइंग की बात, वेजिटेबल्स की बात। और अब हम लोग बात करेंगे कि मानसून आने तक क्यों ना लगाएं, क्योंकि अगर हम लोग अभी से वेजिटेबल्स लगा देते हैं तो ग्रोथ है जो, अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो मर सकती है, लेकिन अभी हमारे पास धूप का अच्छा इंतज़ाम है, पानी वगैरह हम लोग समय से दे देते हैं, और थोड़ी सी अभी दो तीन दिन से मौसम सही है, नहीं तो बिगड़ जाता था, तो पानी भी नहीं देना पड़ता था दो दिन तक। तो इस काम को हम लोगों को करना है, अपनी पूरी सॉइल को प्रिपेयर कर लेना है, और अपने सारी वेजिटेबल्स की अभी से सीड सोइंग आप करते चलें। हाँ, हालांकि आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं, आप अपनी सारी वेजिटेबल्स के लिए पॉट सीडलिंग तैयार कर लें, अलग से पैकेट्स में आप लोग सीड लगाएं, ये मचान वगैरह अभी से प्रिपेयर कर लें, ये सब काम अभी आप लोग निपटा सकते हैं। और जो भी आपकी सीड सोइंग जैसे ही मानसून पड़ता है आप तब भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। देखिए आपको मिट्टी ऊपर से सूखी दिखेगी लेकिन नीचे से पूरी ड्राई गीली है, तो इसको हम लोग अभी कुछ से ढक सकते हैं, या तो फिर रोज़ पानी दे सकें तो रोज़ पानी दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था आपको गाइड करने के लिए रेनी सीज़न वेजिटेबल्स के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।